गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है 12 जून, तो हरियाणा की न्यूज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो इसी तरीके से हरियाणा की न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। खुशहाल बागवानी पोर्टल से समर्थ होंगे किसान। तो खुशहाल बागवानी पोर्टल के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट हो चुका है। ये आप लिंक देख सकते हैं यहाँ पर। इस पर 16 ऑनलाइन सेवाएं शुरू की गई हैं, जिसमें है एकीकृत बागवानी विकास मिशन, बागवानी तकनीकी जानकारी, किसान उत्पादक संगठन निर्माण, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, एकीकृत बागवानी विकास योजना, एकीकृत कीट प्रबंधन, पैक हाउस, सप्लाई चेन, फसल समूह विकास कार्यक्रम, बागवानी प्रशिक्षण एवं भ्रमण, सब्जी बीज लाइसेंस, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ हरियाणा, भवांतर भरपाई योजना, संरक्षित संरचना पोर्टल, फल व सब्जी पौध बुकिंग, फल नर्सरी बुक लाइसेंस। तो ये 16 ऑनलाइन सेवाएं शुरू की दी गई हैं। ये आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, horthharyanaschemes.in पर। फसल खराब होने पर हरियाणा में सबसे ज्यादा अधिक मुआवजा दिया जाता है, ये कहना है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का। किसान प्राकृतिक खेती का अपनाकर क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी निश्चित करके भी अपनी आर्थिक आय को बढ़ा सकते हैं। अब हरियाणा में 45 प्लस और 18 प्लस का अंतर खत्म हो गया है। अब सभी को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। 15 जून से शुरू होगा सीरो सर्वे। हरियाणा में थम रहा है कोरोना का संक्रमण। दूसरी लहर में अब तक सबसे कम 463 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें से 43 मरीजों ने दम तोड़ा। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की चैन अब टूटने लगी है, और यही वजह है कि प्रदेश के सभी जिलों में नए संक्रमितों की संख्या शुक्रवार को 50 से भी कम रही। राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले की संख्या अधिक है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि अब संक्रमण की चेन टूटने लगी है। उन्होंने इसका श्रेय महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को दिया। इसी के तहत हरियाणा में कोरोना से जुड़ी पाबंदियां भी लगाई गई थी। हरियाणा बोर्ड कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित हो चुका है। 51 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी टॉपर नहीं है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने शुक्रवार को 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया, जिसमें कि 100% लोग जो है वो पास रहे। बोर्ड ने फैसला किया कि इस साल कोई टॉपर नहीं होगा। 1970 के बाद पहली बार ट्रेंड में ब्रेक। अब राज्य बोर्ड के तहत पहली परीक्षा आयोजित की गई थी। सरकार ने लिया था 1 लाख कोरोना किट खरीदने का फैसला। इस फैसले को हाई कोर्ट में मिली है चुनौती। हरियाणा सरकार ने पतंजलि से 1 लाख कोरोना किट खरीद कर राज्य में बांटने का फैसला लिया। इस पर फरीदाबाद निवासी याची ने कहा कि कोरोनिल की 1 लाख किट की खरीद करदाताओं के पैसे की बर्बादी है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अभी तक आवासीय कार्यवाही के लिए नियम नहीं बनाए हैं। हरियाणा वेदर अपडेट की बात करें तो हरियाणा में आज से फिर बदलेगा मौसम। 7 डिग्री कम हो सकता है तापमान। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है 25 लाख एकड़ में शुरू होगा मिट्टी परीक्षण। हरियाणा में 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसमें 200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और करीब 900 करोड़ रुपए की लागत वाली अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री द्वारा रखी गई परियोजनाओं की आधारशिला करनाल जिले में WUJC मुख्य शाखा के साथ वृद्धि नहर का पुनर्निर्माण, सिविल अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला के परिसर में MCH ब्लॉक और सर्विस ब्लॉक का निर्माण, नारायणगढ़ का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण शामिल है। पंचकुला में रायपुर रानी रोड, कालावली से रोरी रोड सिरसा को चौड़ा और मजबूत करना और ITI भवन पेगन गांव जींद जिले के निर्माण का भी शिलान्यास। हरियाणा की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को मंजूरी मिल चुकी है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के बैंक खाते में 1500 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता जमा की जाएगी। ये आय 21 वर्ष की आयु होने पर निकाली जा सकती है। तो ये थी दोस्तों हरियाणा की कुछ अपडेट। इसी तरीके से हरियाणा की न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।